पति को दूध क्यों ले आते हो? शक्ति आती है क्या? तुम पागल वागल हो, कैसे बातें कर रहे हो? छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। तो हे व्हाट्सएप का इस्तेमाल चैनल का होस्ट और तुम्हारा दोस्तों फिर से आ चुका बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो लेकर के। आज की जो वीडियो होने बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले, क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें बस कुछ बताने नहीं वाला, बस वीडियो शूट हो चुकी है, बस तुम वीडियो जाके देखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आ रहा होगा, सब फॉलो जरूर कर लेना और कुछ नहीं करना। बाकी मिलो वीडियो के एंड में। बाय बाय, लव यू ऑल। चलो वीडियो, तुम्हारे भाई को देखिए एक बहुत ज्यादा मजेदार भाभी है। भाभी के साथ तुम्हें पता ना भाई क्या होने वाला है? मैं इसलिए आराम से बोल रहा हूँ, उनको कुछ पता नहीं, रैंडमली बैठी है। जुबे का मजे जाके करते थोड़ा बहुत देखते भाभी। नमस्ते भाभी, बैठ जाऊं? मैं एक आवारा लड़का हूँ, आशिक दीवाना हूँ, इसलिए मैं आ गया पार्क में घूमते घूमते। नॉर्मली मैं भी इंसान ही हूँ यार, आपकी तरह। अच्छा, आप मैरिड हो? हाँ जी, मैरिड हूँ। आप तो अकेले क्यों बैठे हो? हस्बैंड कहाँ? आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ। जानते हो? बना लेंगे, हमने बना लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, जान ना पहचान, आप मुझसे ऐसे फ्रेंकली बात कर रहे हो? तुम भाभी, मैं लड़का, बस कनेक्शन मिलता है यार। क्या कैसा कनेक्शन मिलता है? कनेक्शन मींस सही है, सुपरस्टार, और कहीं भी चले जाते हैं। हाल तो बकवास मत करो मेरे साथ में, ठीक है? बकवास, मैं तुम जैसे लड़कों को जानती हूँ यार, कैसे बात करते हैं लड़कियों को। अच्छा, लड़की को जाना पसंद है? अरे भाभी जी, मेरी बात को समझो, मेरे अंदर की फीलिंग को समझो। आप कहाँ से भाभी दिख रही हो मैं तुम्हें? भाभी अपने साड़ी पहनी हुई, इतने प्यारे लग रहे हो, इतने सुंदर लग रहे हो। हाँ यार, लगे भाभी हो क्या मैं? और क्या, अभी आपने बोला मैरिड हूँ। हाँ, मैरिड हूँ। तो फिर मैरिड का मतलब भाभी? भाभी नहीं, नॉर्मल सी बात, ठीक है? भाभी हर रिश्ते में भाभी नहीं जोड़ा जाता, ठीक है? ओके, तो यार मैं ऐसे फिर और क्या बोलूँ आपको? नाम है मेरा जिया है। नहीं, नाम से नहीं बोल सकता ना। क्यों नहीं बोल सकते? भाभी अलग वर्ड हो गया, भाभी के साथ जो मजा आता ना वो मजा अलग ही। जिया नाम है, ठीक है? और बाकी ना ये फालतू की बकवास मत करो। अच्छा सुन तो लो, ये बताओ, आपसे एक सवाल पूछूं यार, मतलब क्वेश्चन है यार, दिमाग में बहुत दिन से भटक रहा है। मैं काफी दिन सोच रहा था कोई भाभी मिले ना यार, क्योंकि मेरे पास तो एक भाभी है। अब तुम मिले हो रैंडमली, तो जेंटलमैन बना लेंगे। वैसे मैं इतना गंदा लड़का नहीं हूं, ठीक है? बोलो। मेरा कहने का मतलब है यार कि मैंने बहुत दिन से कंफ्यूज हो रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। काफ़ी टाइम हो गया रिलेशन में चलते चलते, तो मैं तो एक्सपीरियंस है यार, ठीक है? तो मैं शादी हो गई, हस्बैंड भी है, एक्सपीरियंस हो चुका है, है ना? तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है यार सब चीज़ करने का, करना मीन्स वो सब। पागल वागल हो गए मुझसे आकर के ऐसी बातें कर रहे हो, मतलब किसी से भी? सिंपल सी बात है, मैंने ना आज तक स्वागत नहीं बनाई। तो ये चीज आप अपने गर्लफ्रेंड से बोलो ना, आपको तो गर्लफ्रेंड बोले गए, उसके अंदर दिमाग नहीं है ना, वो कह रहे मुझे नहीं पता, किसी अच्छे बंदे से पूछ के आ। अब मैं किसके पास जाऊँ? लड़कों के पास जाऊँ वो हंसते हैं मेरे ऊपर, ठीक है? इसलिए फिर मैंने सोचा यार किसी से पूछ के रहूँगा, यहाँ पे बहुत लोगों से पूछ रहा हूँ, हर कोई पेल है यार। तो आप अपने गर्लफ्रेंड को बुलाओ ना, उसको समझाओ ना ये बात। यार गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं रहती ना, बहुत दूर रहती है, देहरादून रहती है, मैं कैसे जाऊँ उसके पास? ये तो उल्टी बात कर रहे हो आप, मेरे से आए हो, उसको समझाना चाहिए कि आप समझने आए हो मेरे से। मैं तुमसे ना कि मेरा कहने का मतलब है कि मतलब स्वागत के बीच में क्या मैं इतना समझ गई हूं कि आप ना बस फ्लर्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है। अच्छा, एक बार फ्लर्टिंग का मतलब यार मैं सब चीजें फ्लर्ट करूंगा, मतलब स्वागत वगैरह ये सब पूछूंगा, इसका मतलब फ्लर्ट होना? आप की बकवास कर रही, ये सब जो है ना, मैं जानती हूं ऐसे लड़कों को, ठीक है? यार हम आरामी नहीं, सकल से आराम, माना कि आरामी है यार। अभी एक बात बताओ, जहाँ कुआ होता है प्यासा जाएगा ना वहाँ पे? तो मैं भी प्यासा आदमी हूँ, कुआ दिख रहा सामने, तो आऊँगा नहीं क्या? आपका ये जो मतलब है ना, जलेबी की तरह गोल गोल घुमा रहे हो, राइट? मैं सारी समझ रही हूँ, बट मेरा कहने का मतलब वो नहीं, मैं एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। कैसे समझाऊँ यार, मतलब मेरे को इतना बता दो कि मतलब कैसे बताऊं, स्वागत के बीच में क्या क्या होता है? मेरे को अभी मैं ना जाता कुछ छोटा हूं। पागल वागल हो क्या? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कैसे बताऊं। एक 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 बार तो मेरे ना स्कूल में भी क्वेश्चन आया, झूठ बोलता है साला, बोला कि बच्चे ये बताओ तुम्हारे लिए स्वागत होती क्या चीज है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। हमने भी पढ़ा है, स्कूल गए हम लोग यार, साइंस का क्वेश्चन है ये, 10th में आया था। उन्होंने ये नहीं बोला स्वागत कैसे बना, उन्होंने तो क्या पूछा, जैसे मैंने पूछा ना, ये नहीं पूछा। मैं पागल नहीं हूँ, स्वागत मीन्स होता क्या है, उन्होंने ये पूछा। ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, मुझे कुछ बताओ सौगात का मतलब तो बताओ। तुमने पढ़ा है तो पता होगा। यार पढ़ाई तो नहीं है, हम खुद इतना पीछे बैठे थे। फिर ये कैसे पता लग गया कि सर ने क्वेश्चन ये चीज किया था? लिखवाया था ना ब्लैक बोर्ड पे। लिखवाया तो आंसर भी लिखवाया होगा। आंसर नहीं लिखवाया ना, तो वही तो बात है ना। उन्होंने खुद हमसे पूछा ना कि तो इसका मतलब क्या है, नहीं बता पाया तो पूछना चाहिए था ना सर से। नहीं बता रहे थे ना, कहते आप लोग जान जाओगे। बस जान गए, नहीं जान पाए। तो जान आज तक नहीं जान पा रहा मैं कि उस सौगात के बीच में ऐसा क्या है। लड़की इतना पता है दूध ले आती है पति को। अगर पति को दूध क्यों ले आते हो, शक्ति आती है क्या? भाभी जी आ जाओ। नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ठीक है। मैं वैसे ही मेरा बहुत मुझे ऐसे देखो मत, मेरी फट रही है, मूड खराब है। पहले से मुड़ा, तुम आकर के फालतू की बकवास। चलो आपको मैं हंसा दूंगा, आप दो मिनट बैठ जाओ। मेरे को नहीं जाओ यहाँ से, वैसे ही मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है। अच्छा अब नहीं पूछ रहा, एक मिनट बैठ तो जाओ, मैं चले जाऊंगा। यार पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो, इधर तो आ जाओ यार, मैं कुछ कह तो नहीं रहा। बोलो ना, सुन तो रही हूँ। उधर क्या, उधर क्या है? नहीं थोड़ा क्लोज हो जाएंगे तो हम अच्छा लगेंगे ना, थोड़ा साथ में बैठ के यार लगेंगे। आप मुझसे क्या चाह रहे हो? मैं आपसे ये चाह रहा हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाह रहा हूँ, साथी की बात है। दोस्ती कर ली, ठीक है, बात खत्म। नहीं दोस्ती करने के बाद होता क्या है? दोस्ती करने के बाद कोई किसी का दुख बांट लेता है? बांट सकते हैं यार, क्यों नहीं बांट सकते। अभी तो सोचो, अभी तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। क्या पता आपका कुछ सीरियस मैटर हो तो मैं आपकी कुछ यू नो मदद कर सकूँ, मतलब सुन सकूँ आपकी भावनाओं को, और आप मैं शेयर करोगे तो मैं भी यार शायद समझूंगा ना आपका दर्द को। जब अपने लोग नहीं सुन रहे हैं तो आप तो अनजान हो, आप तो अनजान लोग हो। अनोन, मैं आपको क्यों बताऊँ? देखो आई एम विवेक, सिंपल सा बता रहा हूँ। मैं एक्चुअली यहीं पे रहता हूँ, आपके आसपास जहाँ पे बैठे हो, मैं बगल में ही रहता हूँ, ठीक है, चार बिल्डिंग छोड़ के। सो नॉर्मल सी बात है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप भी अपने बारे में बता सकते हो क्या परेशानी है। बट कोई नहीं, बातें बात करेंगे परेशानी वाली बात। अब अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं यार, क्यों इतना वो कर रहे हो? आप भाभी, मैं लड़का, उसमें फ़र्क नहीं है वैसे तो यार। ये भाभी लड़का समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये समझ से मेरे बाहर है। लड़कियाँ भी तो हैं, भाभी क्यों? हाँ आप लड़की हो, ओके, हाथ तो मिला सकते हो। हाँ फिर ठीक, आप आए ना लाइन पे, एक कॉफी कर लूँ। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। पहले अच्छा लग रहा है यार। पहले अभी बात करी थी ना आपने, ठीक है, बाकी दोस्ती हो गई। हो गई, हो गई ना, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। चलो एक काम करते हैं, बात करेंगे, जो भी है दिक्कत है बात करो, वो ठीक है। पक्का बात करोगे ना? हाँ, बट नंबर चाहिए मुझे आपका। कोई नहीं, नंबर भी दे दूंगी। हाँ, बात के अलावा कुछ नहीं कर सकती मैं। फिर ठीक है। हाँ मैं बात के अलावा और क्या करना चाहती हूँ? वो सब चीज़ के लिए थोड़ी नहीं आया यार मैं आपके पास, मैं तो आपसे क्वेश्चन करने आया था। और छोटा सा मैं सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, सामने मेरा कैमरा लगा रहा था, देख लो हाई कर दिया। कैमरा लगा क्या? नॉर्मल से। अब एक मिनट बैठ, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। सुनो अब मैं तुम्हें चीज़ बताऊँ यार। देखो नॉर्मल सी बात है, मैं ना पार्क में काफ़ी देर से घूम रहा था तो मुझे आप बैठे। आप यूट्यूबर हो? हाँ मैं वीडियो बनाता हूँ। अच्छा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आपको? प्रॉब्लम तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था थोड़ा ऐसे बोल रहे हो ना जैसे मैं देखती थी यूट्यूब। एक बार ऑडियंस को ना हाई कर दो बस। हाय। सो गाइस हम दोनों की भाई मतलब भाभी नहीं है, नई न्यू मैरिड हुई है, बट कह सकते हो भाभी भी, समझ रहे हो? तो चलो ठीक है, नाम से बोल सकते हो आप सभी भी, ठीक है। सो अगर इनसे जिनको बात करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो बात कर लेना, ठीक है। और बाकी हम दोनों बात करेंगे, शायद हमारी अच्छी बॉन्ड बन जाए और दोस्ती हो जाए हम दोनों की, ठीक है। दोस्ती तो रहेगी ना हमारी। मुझे नहीं पता था आज मेरे साथ भी ऐसा प्रैंक होगा। सो भाई मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने आया था, तुम्हारे साथ ही करने आया था, तो मुझे तुम दिखे और सैड से लग रहे थे। सो भाई इनसे मैं थोड़ी बाद में बात करूंगा, थोड़ा समझ रहे हो ना, मेरे को दिख गया था इनके फेस पे। सो भाई करना क्या, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। तुम्हारा छोटा भाई है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, कुछ मत करो, सब्सक्राइब कर लो और कुछ करो। बाकी मैं मिलता रहूँगा नई नई वीडियो में, तब तक बाय बाय, लव यू ऑल।